साथ ही आपको बता दें विशाली इस दौर इस डिप्रेशन के साथ गुजर रही थी कि उन्हें एक साइकेट्रिस्ट की भी लेने की उसकी राय लेने की जरूरत पड़ गई। जी हाँ, वो एक साइकेट्रिस्ट के कॉन्टेक्ट में थी, उनसे राय लेती थी और उन्हीं के राय से वो थोड़ी बहुत ठीक भी हो रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह का दबाव उनके पड़ोसी के साथ चल रहा था, वो जिस तरह का दबाव जिस तरह से टॉर्चर उन पर बना रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था, वैशाली ठीक ही नहीं हो पा रही थी। यहाँ निशांत ने कई खुलासे किए, साथ में ये भी बताया कि उसके जाने से मुझे कितना दुख है, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वैशाली हमारे बीच नहीं रही, बल्कि हमारी बहुत सारी प्लानिंग थी, यहाँ तक कि वैशाली ने अपनी शादी में भी मुझे इन्वाइट किया था, मैं उसकी शादी में आने वाला था और खूब मस्ती भी करने वाला था, लेकिन अब कुछ नहीं रहा और अब सब कुछ खत्म सा लग रहा है।